हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजेताज ड्रीम किचन #, स्वाद से दिल तक। तो आज ये बनाई है मैंने पंजीरी, जो हम अक्सर भगवान को भोग और प्रसाद में चढ़ाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी पंजीरी है, भगवान जी को बहुत पसंद आएगी और आपको भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है ये देखिए। आज बनाने वाली हूँ मैं भोग प्रसाद के लिए पंजीरी। जब भी प्रसाद के लिए पंजीरी बनाते हैं तो हर चीज़ सूची होनी चाहिए, मतलब किचन में बिल्कुल भी वो यूज़ ना हुई हो पहले। तो इसके लिए ले लिया है मैंने 1.5 सर्विंग स्पून घी और 2.5 सर्विंग स्पून आटा लिया है, सब है। और आटे को आप भुनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम में, 6 से 7 मिनट तक इसे भुनना है। थ्रू आउट लो फ्लेम में ही आटे को भूनना है, बिल्कुल भी तेज नहीं करिएगा आंच को। अगर तेज कर दोगे आप तो आटा जल जाएगा और अच्छे से भुनेगा नहीं। धीमी आंच में पंजीरी बनेगी तो इसे बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। बस इस तरह से चलाते हुए धीमी आंच में भूनते रहना है। 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 कटोरी भर के फूल मखाना और इसे भी 2-3 मिनट तक भून लेना है। 2 से 3 मिनट फूल मखानों को भूनने के बाद अब इसमें मैंने डाल दिया कुछ कटे हुए बादाम, काजू और ये पिस्ता। ड्राई फ्रूट और फूल मखाना आटे में एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि फूल मखाने को क्रिस्प होने में ड्राई फ्रूट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये ज़्यादा लाल हो जाएंगे या फिर जलने लगेंगे। तो सबसे पहले आटा डाला, फिर फुल मखाने और फिर लास्ट में ये ड्राई फ्रूट्स। इन सब को बिल्कुल धीमी आंच में थ्रू आउट फ्राई करना है। इस पंजीरी को तैयार होने में ऑलमोस्ट 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इसे हम धीमी आँच में बना रहे हैं। इसे बस हल्के हाथ से फ्राई करते रहना है। ये पंजीरी आप सत्यनारायण भगवान को भोग लगा सकते हो, आप जन्माष्टमी में इसका प्रसाद बना सकते हो, आप इसमें कोई सा अपने मन लायक बाकी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, जिस तरह से 4 मगज, ये गरी गोला या किशमिश, जो मन आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसमें मैं डालूंगी चीनी, ये सर्विंग स्पून है जिससे मैंने आटा और घी डाला था, उसी की 2 भर के मैंने ये सर्विंग स्पून चीनी डाली है। ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है और जब ये फुल मखाना आप चेक करोगे कि बड़े अच्छे से ये 2 उंगली से बिल्कुल टूट जा रहे हैं एकदम, तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्रिस्प हो चुके हैं और ये पंजीरी भी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो बस अब मैं इस देखिए इसे मैं चेक करूंगी, ये देखिए बिल्कुल ये क्रंची हो चुके हैं। तो ये हमारी ये पंजीरी बनके रेडी है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए पंजीरी को ठंडा होने दूंगी। ये पंजीरी ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ और ऊपर से डालती हूँ कुछ तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को तोड़ने के समय बिल्कुल भी नाखून नहीं लगाना चाहिए, ना ही पौधे से तोड़ते समय और ना ही प्रसाद में डालते हुए, इसे छुरी से भी नहीं काटना चाहिए। तो पंजीरी बनके बिल्कुल रेडी है। मेरी रेसिपी अगर आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।